इस वीडियो में हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में मैं मेन कुछ एरर्स के ऊपर फोकस करूँगा जो स्टूडेंट्स जनरली इक्वेशंस और कुछ सिचुएशंस को लेके करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहली एरर स्टूडेंट्स क्या करते हैं। ये जो पहली एरर है, इट इज़ रिलेटेड टू काइनेमेटिकल इक्वेशंस। काइनेमेटिकल इक्वेशंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स एक कॉमन एरर करते हैं, वो क्या है। पहले देखते हैं इक्वेशंस क्या हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये एक इक्वेशन। दूसरी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और तीसरी इक्वेशन v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस। ये तीनों इक्वेशंस नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हैं। जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तब आप इन इक्वेशंस को यूज़ करते हैं, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप यूज़ करते हैं s इज इक्वल टू v इन टू फॉर यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर, ये इक्वेशन आपको पता है। अब इसके अंदर सबसे पहली एरर जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है, देखें। आप मुझे ये बताएं कि इन इक्वेशंस के अंदर ये एस क्या है, व्हाट इज दिस एस, दिस एस, सोचिए व्हाट इज एस। आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इसमें क्या विशेष है, फिर भी आप सोचिए एस क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एस डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एस डिस्टेंस नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एस को डिस्टेंस बोलते हैं, वास्तव में एस डिस्टेंस नहीं है, एस डिस्प्लेसमेंट है। इस इक्वेशन को भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एस है बेसिकली वो फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन पोजीशन। तो बेसिकली ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। और वास्तव में डिस्टेंस ना कहें आप कभी भी, जहाँ पे भी आप डिस्टेंस कहते हैं वहाँ बेसिकली आप वर्ड यूज़ करें पाथ लेंथ। एक्चुअल में जो असली वर्ड है वो है, या जो असली नेम है वो क्या है? पाथ लेंथ है, वो डिस्टेंस नहीं है। बट यहाँ पर जो ये एस है, ये सब क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे है, आप जिनको क्लियर है इट्स ओके, जिनको क्लियर नहीं है वो देखें। सपोज ग्राउंड से मैंने किसी एक पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया, क्लियर, और वो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचा, फाइनल स्पीड क्या होगी? ज़ीरो। तो इस प्रोसीजर में टाइम क्या लगेगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन से आप निकाल लेंगे। तो फाइनल स्पीड ज़ीरो, इनिशियल 20, g माइनस 10, एक्सेलेरेशन माइनस 10, और t, तो t आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 सेकेंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। और यहाँ से वापस यहाँ नीचे आने में, जब पार्टिकल वापस यहाँ पहुँचेगा, 2 सेकंड और लगेंगे। तो यहाँ से लेके ऊपर जाने और वापस आने तक का टोटल टाइम क्या होगा? 4 सेकंड। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्लियर, मैं आपसे पूछूँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से लेके पार्टिकल यहाँ गया और फिर वापस यहाँ पे आया, तो टी ज़ीरो से लेके टी 4 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ ज़ीरो, बिकॉज द फाइनल पोजिशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजिशन। और अगर मैं आपसे पूछूँ डिस्टेंस, डिस्टेंस, क्लियर, तो डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एस, ये फार्मूला पुट करें। यू इनिशियल स्पीड 20, सो दिस गिव्स यू 400, टू माइनस 10 इन टू दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर टू हियर, सो एस, सो दिस गिव्स यू एस इज इक्वल टू हाउ मच? 20 मीटर्स, क्लियर।
So the displacement from here to here is 20. So the total distance, if you want to write distance, then it is 40 meters. But agar aap yahan pe dekhe, maine displacement likha 0. Displacement kya hai? 0. Kyunki definition se aapko pata hai ki initial position aur final position kya hai? Same. To displacement kya hai? 0. Ab chahe aap is formula mein put karke dekh le. S initial 20. Time kya laga? 4 second. Plus half. G kya aega? Minus 10. Kyunki G जो है वो downward direction में इस तरफ into t square 4 का square तो आपके पास क्या आ गया 80 minus 16 into 5 80 so the answer is 0 so the displacement is 0 तो basically जो ये s है ये सभी क्या है displacement है ये distance नहीं है ये ध्यान रखिए तो पहली गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं वो इस s को डिस्टेंस मानते हैं तो बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा होता है कि डिस्टेंस निकालिए ठीक है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सपोज यही क्वेश्चन होता है स्टूडेंट से पूछते हैं डिस्टेंस क्या है तो डिस्टेंस तो है 40 डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 क्लियर तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दूसरी एरर जो स्टूडेंट्स करते हैं इस सेक्शन में वो ये है कि जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये तीन इक्वेशंस हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as ये तीनों इक्वेशंस तभी यूज होंगी व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ये तीनों इक्वेशंस तभी यूजफुल हैं जब एक्सेलरेशन क्या है ये जो a है a ये जो a है ये क्या है कांस्टेंट है अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप इन इक्वेशंस को यूज नहीं कर सकते कैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं मान लेते हैं वी हैव अ पार्टिकल व्हिच starts from rest okay and its motion is governed by equation a is equal to 2t where a is the acceleration of the particle clear so I am asking you that what is the velocity after 2 seconds ab students kya karenge kya galti karte hain wo dekhte hain ki a 2t diya hua hai aur maine final velocity puchi hai तो क्या करेंगे इस इक्वेशन को यूज करेंगे और स्टूडेंट्स लिखेंगे v इज इक्वल टू इनिशियल 0 क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल देंगे 2t और t साथ में है ही तो 2t स्क्वायर तो उनके पास ये रिजल्ट आ जाता है और वो यहां से देखते हैं कि 2 सेकंड में पूछा है तो 2 की यहां वैल्यू डालेंगे तो वो आंसर लिख देंगे 8 मीटर पर सेकंड बट दिस इज रॉन्ग क्यों क्योंकि जो ये एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है केयरफुली देखें एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो ये इक्वेशंस काम नहीं करेंगी तो फिर इसको करेंगे कैसे तो इसके लिए आपको कैलकुलस मेथड नोन होना चाहिए आई होप आपको पता है तो आप इस तरह से करेंगे डीवी बाय डीटी और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डीवी इज इक्वल टू 2t dt now integrating both sides from 0 to v and 0 to 2 to aap isko solve karenge to aapke paas aayega v is equal to t square by 2 2 se 2 kat jayega 2 ki value dalenge to it is 4 meter per second to agar aapne ye galti kari to aapka ye answer aayega aur ye sahi tarika hai is question ko solve karne ka to ye jo
दूसरी एरर थी स्टूडेंट्स इस चैप्टर में स्पेशली करते हैं। तीसरी एरर स्टूडेंट क्या करते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कई बार कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो एक्सेलेरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। गलत, हर बार ऐसा नहीं होता। तो इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, शायद आपको आता भी हो, जिनको नहीं आता हो देखें कि आपने किसी भी पार्टिकल को से यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे स्पीड तो ज़ीरो हो जाएगी बट एक्सेलेरेशन होगा। एक्चुअल में एक्सेलेरेशन क्या होगा यहाँ पे, जी। क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन वी नहीं है, एक्सेलेरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम एवरेज एक्सेलेरेशन केस में। तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है वो ज़ीरो नहीं है, एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी ज़ीरो तो एक्सेलेरेशन भी ज़ीरो हो। और एक मेजर एरर है जो स्टूडेंट्स करते हैं इस चैप्टर में, स्टूडेंट समझते हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल का एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड पार्टिकल की बढ़ेगी। गलत, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है। और अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब स्पीड घटेगी, स्पीड डाउन होगा। नो, दिस इज़ आल्सो नॉट द ट्रुथ। एक्चुअली जो एक्सेलेरेशन की इंफॉर्मेशन अलोन, एक्सेलेरेशन की इंफॉर्मेशन आपको ये नहीं बता सकती कि स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। आपको एक्सेलेरेशन के साथ साथ वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पता करनी होगी, तो ही आप बता पाएंगे कि स्पीड बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल कॉमन एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना, अप डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो मेरे पास जो एक्सेलेरेशन होगा इस सिचुएशन में दैट विल बी माइनस जी। अब सपोज मैंने पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका विद स्पीड यू या विद वेलोसिटी यू, तो आप यहाँ पे देखें वेलोसिटी की डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी याद रखें, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन जब बोलते हैं तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन से होता है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, अप मींस पॉजिटिव, क्लियर, और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। तो इस केस में स्पीड क्या हो रही है, घटेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, और एक्सेलेरेशन क्या है, नेगेटिव, तो क्या हो रहा है, स्पीड डाउन, स्पीडिंग डाउन, क्लियर। और जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा और फिर जब पार्टिकल वापस आएगा, इस समय वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, और एक्सेलेरेशन भी क्या है, नेगेटिव। तो ये सिचुएशन हो गई, अब स्पीडिंग अप होगा, समझ रहे। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि अगर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के साइन अपोजिट होंगे तो स्पीड घटेगी, और दोनों के साइन सेम होंगे तो स्पीड बढ़ेगी। तो इसके साथ साथ आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं, अगर u ग्रेटर देन जीरो हो, a ग्रेटर देन जीरो हो, u लेस देन जीरो हो और a ग्रेटर देन जीरो हो, तो इस सिचुएशन में स्पीडिंग डाउन और इस सिचुएशन में स्पीडिंग